नमस्ते ब्रजचारी वीडियो आपका स्वागत है। आज खड़े इंडियन क्रॉसओवर के सामने जिसका नाम मारुति सुजुकी एस क्रॉस, इसका बेस पेरेंट आप देख रहे हैं और बेस पेरेंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पड़ जाता है। इसका बेस पेरेंट ये आपको 9 लाख रुपए के अंदर टॉप मॉडल प्रेजेंट में ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ जाएगा। ये इसकी प्रेगटर ग्रिल के लिए नीचे जगह दी गई है अपनी इंजन गार्ड के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट डुअल चैम्बर में हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलाइट फॉगलाइट्स की हाउसिंग BMW जैसा इसके रेगुलेटर ग्रिल दिख रही है सिग्नेचर के साथ। एस क्रॉस की वेजिंग रेगुलेटर के लिए जगह काफ़ी अच्छी है, मुझे तो SUV टाइप में लगती है गाड़ी। और अपनी क्रॉस ओवर है, दो वाइफर मिलेंगे, बड़ा बिनसीट एरिया मिलेगा आपको, फेंडर पर ही 10 इंडिकेटर मिलेगा आप देख सकते हैं। 16 इंची के स्टील रिम मिलेंगे GK टायर के साथ और रेडियल ट्यूबलेस टायर आते हैं इसके अंदर। टॉप मॉडल में आपको 16 इंची के अलॉय व्हील मिलेंगे, डायमंड कट जो भी डेल्टा से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसकी साइड प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें सेम हैं आप देख सकते हैं। ये इसकी टेलर हेलोजन ही टेलर मिलेगी आपको देख सकते हैं, हेलोजन स्मार्ट हाइब्रिड की इंतजार। और सबसे बढ़िया स्मार्ट हाइब्रिड आपको बेस मॉडल से ही आपको मिल रहा है, सुजुकी का लोगो, एस क्रॉस की बैजिंग, रिवर्स 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे आपको आप देख सकते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर काफ़ी बड़े हैं, बहुत बात आती है कि भाई मिड साइड SUV और एक कंप्यूटर करती है क्रेटा वगैरह को, लेकिन अब की में जो आ रही है एस क्रॉस वो वाकई में थोड़ी महंगी गाड़ी हो जाएगी वो। ये इसका बूट स्पेस 4 सीटर का बूट स्पेस आता है इसका, पार्सल ड्रेस के अंदर नहीं आती, वो भी आप एसेसरीज पर इसमें लगवा सकते हैं। ये इसका स्पेयर व्हील, ये भी 16 इंची का मिलेगा आपको, सेम साइज ही मिलेगा। हालांकि मारुति एस क्रॉस में कॉस्ट कटिंग का बहुत ही कम करती है, आपको एस क्रॉस में कॉस्ट कटिंग तो आपको दिखेगी नहीं कहीं, मैं आपको बताऊं। इसको बंद करते हैं। ये इसका एंटीना आप देख सकते हैं, बेस मॉडल म्यूजिक सिस्टम ना है तो भी एंटीना का मारुति देती है। आइए पीछे का डोर खोल के देखते हैं, ब्लैक डोर ओपनर, ब्लैक आपको डोर मिलेगा क्रोम्स के साथ, क्रोम वगैरह कुछ नहीं आएगी, सिल्वर आपको इसके अंदर डोर ओपनर्स के साथ मिल जाएगी। वो बोटर होल्डर स्पीकर वगैरह इसके अंदर भी आते ही आते हैं। ये इसकी सीट फैब्रिक सीट मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं फैब्रिक सीट। ये इसका इंटीरियर, ओनली म्यूजिक सिस्टम नहीं और सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, रीडिंग लाइट आपके इसके अंदर आती है, सेंटर में आपको इसकी रीडिंग लाइट मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं। चारों हेडरेस्ट, अरे भाई गजब गजब गजब, चारों हेडरेस्ट, और क्या दोगे इसको फीस, ओहो 60 और 40 भी इसके अंदर सीट मिल जाती है, गजब गजब। यहाँ से आप अपना बूट स्पेस कर सकते हो, गजब भाई गजब, पैसा वसूल तो यही हो गया। इसको बंद करते हैं, आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं, ड्राइवर साइड डोर में क्या क्या है, गजब गजब गजब, चारों पावर विंडो, ओहो गजब गजब, ऐसा डोर मिलेगा, चारों पावर विंडो मिलेंगे आपको देख सकते हैं। अरे ब्रेक एडजस्ट करने के लिए लीवर भी है इसके अंदर, गजब 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 भाई। ड्राइवर सीट एडजस्ट का फीचर नहीं है, बैक साइड आपको बैक का बोर्ड सेट करने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। ये बिग प्लेट मिलेगी आपको, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये लाइट के लिए और चाबी लगाते हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलेगी आपको, 2 रिमोट की मिलेंगी इसके अंदर, जो अपनी ओल्टो वाली आती हैं 6 रिमोट की, तो आप चाबी लगाने के लिए जगह, स्मार्ट हाइब्रिड लाइट है भी में एडजस्ट करने के लिए लीवर, 3 पैडल, पॉकेट बॉलेट रखने के लिए जगह, ये 3 पैडल हैं ABC। ये इसका स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, सेम बलिनो वाला ही है आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग वाटरिंग कंट्रोल वगैरह इसके अंदर नहीं है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, म्यूज सिस्टम एसेसरीज पार्ट, मैनुअली आपको AC मिलेगी आप देख सकते हैं, मैनुअली AC जो शिफ्ट जैसा ही है, कंसोल तो सेम, 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा आपको, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक इसके अंदर नहीं आता है, गजब। ओहो वैनिटी मिरर भी मिलता है, अरे रीडिंग लाइट, अरे वाह क्या बात है, बेस मॉडल तो भाई वैल्यू फॉर मनी हो गया इसका। इसके अंदर टिकट होल्डर दिया गया है, ORBM एंटी ग्लेयर के साथ मिलेगा आपको, डे नाइट वेरी मिरर। ये इसका ग्लो बॉक्स और इस पर डैशबोर्ड पर ही आपको लेदर फिनिश आपके इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ से लगाते हैं चाबी,
कार को ऑन करके देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये इसकी MID बेस मॉडल में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, आप देख सकते हैं टैकोमीटर बेस मॉडल में। भाई कौन सी कंपनी देती है बेस मॉडल में टैकोमीटर, ये भी देख सकते हैं। जो दिखाएगा ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह रेंज वगैरह सारी चीज़ें ये दिखाएगा, और गियर इंडिकेटर वगैरह ये भी सारी चीज़ें दिखाते ही दिखाता है। अब तो हालांकि देखो सबको ही पता है गियर इंडिकेटर तो नॉर्मल चीज़ें हैं इसके अंदर, ये है बेसिक चीज़ें। और ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी डोर अनलॉक वगैरह सारी वार्निंग ये दिखाता है, ABS CVT वगैरह वाली। अरे स्टेयरिंग एडजस्टमेंट भी है इसके अंदर, गजब गजब गजब। मैंने स्टेयरिंग एडजस्ट करके देख लिया, आगे पीछे नहीं है, ऊपर नीचे वाला इसके अंदर है। ये इसका 5 स्क्वायर बॉक्स, हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं। ओबियसली मैंने यहाँ पे पूरा कवर कर दिया होगा, आपको मैं दिखाता हूँ इसका बोनट वगैरह खोल के, बोनट वगैरह खोल के देखते हैं इसका। और इसके अंदर आता है 15 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, डीजल में नहीं आती, बंद हो गई है ये, ओबियसली मुश्किल है, 5 गाड़ी में इसका इंजन यूज़ होता है। बोनट मैंने खोल लिया है, ये इसका पेट्रोल इंजन आप देख सकते हैं। यह है 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस पावर करता है 110 Nm का टॉर्क BHP जनरेट करता है और 115 N टॉर्क, ये आप देख सकते हैं। एक साइड की बैटरी मिलेगी आपको, ABS CVD वगैरह इसके अंदर आता है, डुअल एयरबैग इसके अंदर आता है, मतलब स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम इसके बैटरी वाला सिस्टम है और जो भी है। और वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड में बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कार चलाते हैं सीट बेल्ट जरूर पहने। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और ग्वालियर में आके आप इनका विजिट करें, प्रेम मोटर ग्वालियर LB रोड।